वर्गो वेलकम टू योर रीडिंग सो लेट सी वर्गो ये आने वाला टाइम आपके लिए अब कैसा रहेगा अब आगे क्या होने वाला है इसी के रिगार्डिंग मैं आज की रीडिंग में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं थैंक यू स्प्रे थैंक यू वेरी मच वर्गो वन मोर थैंक यू पहला कार्ड है नंबर ट्वेंटी सिक्स फ्लैमिंगो स्पिरट इम्ब्रेज दी इन बिटवीन। नंबर फोर्टी फोर पैंथर स्पिरट फ्री योर पावर ओके एक चीज है यहां पर वर्गो आप एक किस्म के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो इस समय ओके okay? अगर अभी अभी ये शुरू नहीं हुआ है तो ये शुरू होने वाला है नेक्स्ट एट डेज कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है यहां पर क्योंकि यहाँ पर ट्वेंटी सिक्स से भी एट बनता है फोर्टी फोर से भी एट बनता है ओके okay? ट्रांसफॉर्मेशन पता है किस चीज की है ट्रांसफॉर्मेशन है अपनी पावर को दोबारा क्लेम करने की अपनी पावर में वापस आने की एक होता है ना कि कुछ लोगों के इर्द गिर्द हम बहुत जैसे वोंडेड से बन जाते हैं अमूमन हम हील्ड रहते हैं मतलब हीलिंग वाले वर्जन में रहते हैं अवेकंड वर्जन में रहते हैं लेकिन कुछ लोग हमारे एकदम से सामने आते हैं और हम फिर से ट्रिगर हो जाते हैं और हमें लगता है कि उफ़ मेरी साधना क्या मतलब मैं फिर से यू नो बैक टू स्क्वेयर वन की एनर्जी में आ गया वो एक फ्रस्ट्रेशन सी आती है हमें राइट तो ये वही लोग जो है ना जो आपको आपकी साधना से थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं ऑफ ट्रैक कर देते हैं आप इन लोगों के इर्द गिर्द अपनी पावर को क्लेम कर रहे हो आप कह रहे हो कि नो अब दोबारा नहीं दोबारा नहीं होगा ये ओके और उसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अनकंफर्टेबल एनर्जी आपको भी महसूस करनी होगी क्योंकि तो फ्लेमिंगो स्पिरिट का ये कार्ड पता है कैसा होता है ये कहता है कि आप कुछ नया वर्जन बनने के लिए एक प्रोसेस शुरू किए लेकिन अभी आप पूरे तरीके से वहां तक पहुंचे नहीं हैं अभी आप रास्ते में ही हैं तो क्योंकि आप नया वर्जन बन रहे हो तो थोड़ा सा पीछा जो जो आपका पुराना वर्जन है उसको भी आप थोड़ा पीछे छोड़ रहे हो राइट तभी आप आगे बढ़ पाओगे ना तो जैसे एक इन बिटवीन कि अभी मैं पूरा वर्जन नया वर्जन भी नहीं बना और अब मैं अपने पुराना वर्जन के साथ भी रेजोनेट नहीं हो रहा मतलब एक इन बिटवीन सी स्टेट है यहाँ पर ओके तो ये अनकंफर्टेबल ज़रूर होती है लेकिन जो आउटकम है मेरी जान बहुत पावरफुल है आप देख रहे हो इस कार्ड को ब्लैक पेंथर की एनर्जी है तो ये जो रिपीटिंग साइकिल्स हैं ये जो रिपीटिंग मतलब यू uh, नो you know, हर, हर हर आप मतलब इस पर्सन के सामने जाते हो और ये पर्सन आपको एकदम से ट्रिगर कर देता है और फिर आपको लगता है कि नास क्यों ये बार बार हो रहा है आप इस रिपीटिंग साइकिल को एंड कर रहे हो आप द वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लॉजिकल बन रहे हो आप वाइज बन रहे हो कि इसके साथ कैसे डील करना है ओके okay? जैसे आपकी आपके साधना का टेस्ट है और आप उसमें पास हो रहे हो ये मुझे चीज दिख रही है यहाँ पर ओके okay? um, अगला कार्ड है यहाँ पर वोम बैठ स्परेट बी एट होम नंबर सिक्सटी एट आई थिंक आप पहुंचने वाले हो किसी किसी डेस्टिनेशन तक यू नो स्पिरिचुअली भी ऐसा लग रहा है कि आप किसी किस्म का कोई स्पिरिचुअल लेवल कंप्लीट कर रहे हो और आप अपनी असेंशन में नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हो यू you नो know, कुछ चीज़ें जैसे वो रियलाइज हो गई तो अब है कि अब एडवांस लेवल की जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ डील करते हैं उसे समझते हैं। जैसे ऐसी असेंशन है आपके यहाँ पर ओके okay? आप अपने हार्ट चक्रा के साथ भी बहुत कनेक्टेड महसूस दिख रहे हो मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अपनी फेमिनल एनर्जीज के साथ कनेक्टेड हो सेल्फ केयर सेल्फ लव हो गया खुद को प्यार देना यू नो अपने घर का ध्यान रखना होम लाइफ के साथ आप बहुत कनेक्टेड महसूस करोगे फैमिली मेंबर्स के साथ आप बहुत कनेक्टेड महसूस करोगे ओके okay? तो ये बहुत ही जैसे हार्ट सेंटर्ड एनर्जी है वर्गो साइन के लोगों के लिए ओके okay? लेट्स यहां पर आपके टेरो कार्ड्स क्या बताते हैं थैंक यू ओके ओ माय गॉड ओके सी आप देख रहे हो किंग ऑफ पेंटिकल्स आप अपने फाइनेंस या करियर में डेफिनेटली बेटर सिचुएशंस को एक्सपेक्ट कर सकते हो बेटर आउटकम्स को देख सकते हो मनी इनक्रीज हो सकती है यहाँ पर मुझे खास करके अगेन फैमिली डायनामिक्स ही दिख रहे हैं कि आप जैसे एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हो सी यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है और यहाँ पर द मून कार्ड है दोनों मेजर आरखाना राइट सो फैमिली डायनेमिक्स में डेफिनेटली जो भी चीज़ आपको अंदर ही अंदर काट रही थी ना आप इसे एड्रेस करने वाले हो ओके okay? और ये आपका नया चैप्टर है और इस चैप्टर से ही आपके किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी फ्लो कर रही है आपकी तरफ आप अपने घर के ऊपर कुछ पैसा खर्च सकते हो रेनोवेशन में या फिर नया पेंट हो सकता है नया फर्नीचर हो सकता है या घर वालों के लिए कुछ पैसा आप स्पेंड करो ये कुछ आने वाले भविष्य में हो सकता है लेकिन ओवरऑल मुझे आपकी मनी सिचुएशन बहुत सॉलिड दिख रही है ओके ये बेसिकली ब्लेसिंग है आपके यहाँ पर आप जिस पर्सन को प्यार भी करते हो ना वो आपके प्यार को समझेगा ये कमिटमेंट की भी ऊर्जा हो जाती है ओके तो जैसे जैसे आप किसी को बोल रहे हो आई लव यू और वो पर्सन आपके उस प्यार की कदर कर रहा है आपकी उस अच्छाई की कदर कर रहा है ऐसी वाइब है यहाँ पर ओके सो येस एक तरफ फैमिली डायनेमिक्स में आप अपनी पावर को क्लेम क्लेम कर रहे हो और इस सैडनेस की एनर्जी से बाहर आ रहे हो ओके okay? और दूसरी तरफ मनी सिचुएशन बेटर है लेट्स सी व्हाट एल्स यहां पर वर्गों के लिए और क्या है आई थिंक आने वाले टाइम में कुछ लोगों को ब्लड लाइन हीलिंग करने का मौका मिलेगा यहां पर कोई टीचर है जो आपको ब्लड लाइन में मदद कर सकता है आपके फैमिली के सीक्रेट्स क्या हैं, आपके एनसेस्टर्स के कर्मा क्या रहे हैं आपके एनसेस्टर्स का कौन सा ट्रॉमा रहा है जो डीएनए में बैठा है ये सारे सीक्रेट्स जैसे पता लगने वाले हैं आपको रियलाइजेशन क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स भी मेडिटेट ही कर रहा होता है आंखें बंद करके सो so फैमिली से जुड़ी हुई कोई इंफॉर्मेशन बाहर आ सकती है यहां पर ओ माई गॉश वाओ वी हैव टू अपडमैन वाओ आने वाले दिनों में जो भी आप डिसीजन लोगे ना वो एक बेस्ट डिसीजन लोगे आप आपको इस डिसीजन का रिग्रेट नहीं होगा ये डिसीजन बहुत ही सोच समझ कर लिया जाने वाला डिसीजन होगा ओके okay? जैसे आपके पास विजडम है आपकी हायर सेल्फ भी आपको गाइड करेगी तो अगर आने वाले टाइम को लेकर आप थोड़े चिंता में थे कि यार डिसीजन आने वाले हैं मुझे चॉइसेस लेनी पड़ेंगी पता नहीं क्या होगा आप बिल्कुल निश्चित रहिए कि आप आप बिल्कुल अच्छे से अपने इस डिसीजन को लोगे इसमें कोई गलती नहीं करोगे आप क्योंकि आप वाइज हो आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो यहां पर ओके काम काम है है जो रुके हुए काम है ना मुझे वो भी बनते हुए नजर आ रहे हैं खास करके वो काम जो आपको करने थे तो इसमें हो सकता है कि आपके पास शायद टाइम नहीं था या मनी नहीं थी आप मेंटली अपने आप को रेडी नहीं महसूस कर रहे थे लेकिन आने वाले टाइम में आपको लगा कि अब मैं रेडी हूं तो मुझे एक्शन आता हुआ दिख रहा है और रुके हुए काम बनते हुए दिख रहे हैं यहां पर कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आपको शायद किसी आय डॉक्टर के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है अगर आपको रिसेंटली कहीं कुछ महसूस हुआ है वर्गों की मुझे मेरी ना आंख में कुछ दर्द सा महसूस हो रहा है या ऐसे कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा तो प्लीज उसे चेक करवाएं ओके आई डॉक्टर मुझे आई डॉक्टर के साथ इस समय कांटेक्ट करना अच्छा होगा ओके सो यस ये एक वाइव है यहाँ पर लेट्स सी व्हाट एल्स वर्गों को और क्या पता होना चाहिए थैंक यू सर लोगों के लिए एक मैसेज आ रहा है कि जैसे जैसे ना आपके जीवन में कुछ हिडन था और आपको यह मोमेंट लगता भी था कि इस चीज को छुपा कर ही रखना है मुझे मुझे शेयर नहीं करना लेकिन जैसे कोई ये जो छुप छुपी हुई चीज है जैसे इसको इसको बाहर लेकर आ रहा है जैसे आप उस चीज के साथ जुड़ा हुआ जो फियर है जो एंगजाइटी है कि कहीं लोगों को पता ना चल जाए जैसे आप एक ऐसे एटीट्यूड में आ रहे हो कि लोगों को पता लग जाए तो लग जाए सो so वॉट जैसे एक बहुत फ्री माइंड हो जाए किसी का जैसे किसी का प्रेशर माइंड से हट जाए ये भी एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है वर्गो साइन के लोगों के लिए आप लोगों के डर से बाहर आ रहे हो आप कह रहे हो कि अब मुझे चीज़ों को छुपाने की जरूरत नहीं जो मैं हूँ मैं हूँ जैसे ऐसी वाइब है यहाँ पर हीलिंग turn away hmm. breaking free wow yahan pe definitely kuch log bloodline karma हील करने वाले हैं मैं आई नो मैं मैसेज को रिपीट कर रही हूँ लेकिन मुझे यही दिख रहा है यू आर द चोजन वन जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना वर्गो साइन के यू आर द चोजन वन आपके हाथों से ही ये ब्लड लाइन हीलिंग होनी है go with the flow अगर आपको कभी भी ऐसा लगे ना कि ये चीज मैं कैसे करूं मनी कैसे मैनिफेस्ट करूं प्यार में कैसे मैनिफेस्ट करूं तंदुरुस्ती में कैसे मैनिफेस्ट करूं तो आप तो आपका आंसर है गो विद द फ्लो रिदम जो चीजें चल रही हैं बस प्रेजेंट में रहना और रिदम में रहना ओके okay? इसी से ही आप मैग्नेट बनते हो और चीजों को जो भी चीजें आपको चाहिए उसको आप अट्रैक्ट करते हो तो गो विद द फ्लो इस फिलॉसफी को अपना लो बस यहां पर ओके okay? और दूसरी चीज यहां पर जहां नहीं है वहां से पीछे हट जाओ जहां पर लव लाइट होप फेथ बिलीव ये एनर्जीज़ आपको नहीं दिखती ना वहां से पीछे हट जाओ क्योंकि वो स्पेस आपके लिए है ही नहीं ओके okay? और शायद इसी ऊर्जा से आपको यहां पर खुद को आजाद भी करना है और अपनी एनर्जीज को अपनी पावर्स को यू you नो know, वापस से क्लेम करना है ओके सो टर्न अवे जहां पर आपको वो लेवल लाइट नहीं दिख रही वहां से पीछे हट जाओ ओके लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं वर्गो साइन के लोगों के लिए स्टार फैमिली हम्म कुछ लोग यहां स्टार सीड है और आप अपने किसी स्टार फैमिली मेंबर से आपकी मुलाकात होने वाली है ओके okay? आपको इस पर्सन के साथ ऐसा लगेगा कि हाँ ये पर्सन कितना वियर्ड सा है <laughs> जैसे जैसे बहुत ही यूनिक सा होगा ये पर्सन बहुत ही जैसे एलियन जैसी वायदिया क्योंकि ये ये बिल्कुल ही अलग सोचता है इसकी तो आउट ऑफ बॉक्स वाली थिंकिंग है यू you नो know? लेकिन यही पर्सन आपका स्टार फैमिली मेंबर है एंड आई थिंक इस पर्सन का आना इस चीज़ का संकेत है कि आपको जैसे अकेला महसूस करने की ज़रूरत नहीं है या फिर ये महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कोई नहीं समझ रहा यू you नो know, ये जो पर्सन जिसके साथ आपकी मुलाकात होगी ना ये बेसिकली इसीलिए भेजा गया है ताकि आप अकेलापन पन्ना महसूस करें ओके okay? तो अच्छे लोग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में डॉल्फिन प्ले यस फन बहुत सारा फन आपकी लाइफ में आने वाला है समर सीजन भी आने वाला है तो ऐसा लगता है कि ये समर सीजन वर्गो साइन के लोगों के लिए बहुत अच्छा 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 जाएगा बहुत ट्रैवल करोगे पिकनिक वगैरह बहुत हो सकती है फन एडवेंचर गार्डनिंग बहुत अच्छे से आप कर सकते हो लेकिन मैं फन ऐड करते हुए देख रही हूँ आपको ओके एनलाइटेंड गट तो पेट से जुड़े हुए अगर कोई इश्यूज़ हैं आपके तो वो हील होंगे प्लस अगर आपकी साइकिक पावर्स थोड़ी ब्लॉक्ड थी इंट्यूशन थोड़ी ब्लॉक थी आपको लग रहा था कि मुझे एक्यूरेसी से मैं चीज़ों को नहीं भांप पा रही हूँ तो वो भी क्लेंज हो रही है एनर्जी यहाँ पर ओके okay? अब एक्यूरेसी बढ़ेगी आपके तुक्के में या फिर कह लीजिए कि आपकी सिक्स सेंस की पावर में ओके लेट्स सी फाइनल मैसेजेस क्या है यहाँ पर वर्गो साइन के लोगों के लिए थैंक यू स्पिरिट डिजायर एट्रैक्शन स्नेक कभी भी किसी को हर्ट करने की डिजायर होना तो उसको त्याग देना यहां पर बहुत स्ट्रांगली एक ऐसी एनर्जी है आपको कहा जा रहा है अपनी पावर को क्लेम करो लेकिन किसी को हर्ट नहीं करना उससे बैड कर्मा ही बनेगा ओके okay? तो डिजायर रखो हेल्दी डिजायर रखो कॉन्फिडेंस की डिजायर रखो आगे बढ़ने के डिजायर रखो लेकिन दिमाग में ऐसी ऐसी इमेजिनेशन में नहीं जाना क्या जहां पर आप दूसरों को हर्ट कर रहे हो ओके okay, ये वर्गोस वर्गोस को ये शोभा नहीं देता ओके सो यस इस एनर्जी से थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट प्रोटेक्टेड रखो अगला मैसेज है एक्सेप्टेंस एंड सेंट्रिक मोस हम्म आई थिंक कुछ चीजों का बस आपको सबर का घूंट बनने की जरूरत है खासकर ये किसी पर्सन के बारे में अगर आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन ऐसा क्यों है काश ये ऐसा ना होता इस चीज की आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में <laughs> यू नो लोग जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे तो एक्सेप्टेंस कुछ लोगों को लेकर बस मान लो कि ये ऐसे ही हैं और ये ऐसे ही रहेंगे इनको भगवान ने ऐसे ही बनाया है और इनका कुछ नहीं हो सकता ओके okay? वहाँ पर फिर ये जो फाइट मोड चल रहा है ना आपका वो एंड हो जाएगा क्योंकि एक्सेप्टेंस लग नहीं रही शायद आपके यहाँ पर एंड आई थिंक तभी आप यहाँ पर एनर्जी को भी लूज कर रहे हो ओके okay? तो वो मत करो ओके okay? वो मत करो यहाँ पर जिसको बदलना है वो बदल ही जाएगा आपके मुताबिक आपकी बात लोग तभी सुनते हैं जब उनके आपके साथ उनका एक बहुत गहरा रिश्ता हो अगर कोई पर्सन आपकी बात नहीं सुन रहा विच मीन्स कि वो स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं है वहां पर तो वहां पर माथा पीटने की जरूरत नहीं है ओके okay? एक्सेप्ट कर लो कि ये पर्सन ऐसा ही है ओके ऑलराइट वर्गो ये है आपकी रीडिंग प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा टेक केयर बाय